सब्सक्राइब कीजिए टेक्टर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस एक्सेल में वर्कशीट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे रीनेम करते हैं। हम आज के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बॉटम में शीट 1 है, 2 है, 3 है। अगर आप और इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट वर्कशीट। आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस या फिर मार के भी शॉर्टकट के जरिए से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बस आपको क्लिक करना है, एक शीट आ चुका है। अब जितनी बार यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको उतने शीट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए माई दूंगा। बस आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं रीनेम हो चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, आपको डिलीट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से एमएस एक्सेल में वर्कशीट को ऐड, रीनेम और डिलीट कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों आज के वीडियो बताने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक्टर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।